नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो नंबर 7 विषय हिंदी, इसमें विराम चिन्हों के बारे में आज अभ्यास करेंगे। तो भाई दोस्तों, आज तक हमने जितने भी वीडियो देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, उसमें हमने इसके बारे में विगत से अभ्यास किया था। तो आज हम कुछ नया करेंगे। आज क्या है, तो आज हम जो भी हमने सीखा है आज तक उसका पुनरावर्तन करेंगे। तो विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में रुकना पड़ता है। इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपि चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। तो एवं कई शब्द हम ऐसे कह सकते हैं कि विराम चिन्ह, यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो जब हम बीच में रुकते हैं या अंत, वाक्य का अंत हो जाता है, तो जो भी चिन्ह लगाते हैं इस रुकावट को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह है ये। तो ये जो है इसे हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। हम एक वाक्य देखेंगे। मेरा नाम राधा है। यह वाक्य पूरा हो गया, इसलिए मैंने लगाया है पूर्ण विराम। जब हम कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, तो जब हम हमारा पूरा वाक्य पूर्ण हो जाता है, तो अंत में आता है पूर्ण विराम। इसी तरह दूसरा है अल्पविराम। अल्पविराम का चिन्ह है ये। तो अल्पविराम कब उपयोग होता है, तो जब हम कुछ बोलते हैं तब अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जब बीच में रुकना पड़ता है तब हम ये जो अल्पविराम है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखेंगे। राम सीता और मोहन घर गए। राम सीता और मोहन घर गए। तो ये जो वाक्य है इसमें मैंने यहाँ पे पूर्ण अल्प विराम लगाया है, यानी कि जब राम बोलते हैं इसके बाद हमें रुकना पड़ता है। राम सीता और मोहन घर गए। ऐसा नहीं है कि हमें ये सडिंग बोलना है, राम सीता और मोहन घर गए, ऐसा बोलना नहीं है। राम सीता और मोहन घर गए। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हमें लगाना है पूर्ण विराम। ये बात हुई अल्पविराम की। अब बात करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका जो चिन्ह है वो है ये। इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब हम किसी से माहिती प्राप्त करनी हो, किसी से हमें जवाब चाहिए, तो हम उसको प्रश्न करते हैं, और जो प्रश्न के अंत में आता है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका एक उदाहरण देखेंगे। राधा तुम कहाँ जा रही हो। राधा तुम कहाँ जा रही हो। तो ये जो राधा है वो आपको जवाब देगी, वो जहां भी जाने वाली है उसका उत्तर देगी। तो ये जो है उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इसी तरह दूसरा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसका जो चिन्ह है वो है ये। इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब हम उसका वाक्य देखेंगे। अरे वाह,
है इसीलिए हम लगाते हैं पूर्ण विराम। अरे वाह, यहाँ पर आश्चर्य विस्मय, इसीलिए हमें ये जो चिन्ह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह ये लगाना पड़ता है। तो ये जो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह उसमें हर्ष शोक कई भाव को प्रकट करते हैं। अब हम लेते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह तो इसका जो चिन्ह है वो है ये, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। तो इसका उपयोग कब होता है तो कि जब सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्द उसे जोड़ने के लिए, जैसे कि सामासिक शब्द कौन कौन से, तो सुख दुख माता पिता पाप पुण्य, तो ये जो शब्द होते हैं उसे सामासिक शब्द कहते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए बीच में हमने जो चिन्ह लगाया है उसे कहते हैं योजक चिन्ह। इसका हम उदाहरण देखेंगे। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। वाक्य पूरा हुआ इसलिए पूर्ण विराम। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। तो अंत में आता है पूर्ण विराम, बीच में माता पिता, इसके बीच में आता है योजक चिन्ह। अब हम देखेंगे अवतरण चिन्ह। अब आता है अवतरण चिन्ह, तो उसका संकेत है इसे कहते हैं अवतरण। अवतरण में भी दो प्रकार है, इखरा और दुहरा। तो इखरा का जो संकेत है वो है ये, और दुहरा यानी कि दो, तो इसे कहते हैं दुहरा अवतरण चिन्ह। तो इसका प्रयोग कब होता है तो जब किसी के उपनाम रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्घृत करने के समय इसका उपयोग किया जाता है। जब हमें हाईलाइट करना हो कि ये उनका उपनाम है अथवा तो जो पुस्तक का नाम है या शीर्षक है उसे हमें दिखाना है, तब हम अवतरण चिन्ह इखरा और दुहरा इसका प्रयोग करते हैं। तो पहले देखेंगे हम इखरा। उपनाम रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को दर्शाने के लिए इखरा अवतरण चिन्ह इसका वाक्य देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। यहाँ वाक्य पूरा हुआ इसलिए पूर्ण विराम। और जो निराला ये सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है इसलिए हमें उसे इखरा अवतरण चिन्ह में रखना पड़ेगा। तो ये जो है वो है इखरा अवतरण चिन्ह। इसी तरह दुहरा, दुहरा अवतरण चिन्ह तो इसका जो संकेत है वो है दुहरा अवतरण चिन्ह। तो उसका जो संकेत है चिन्ह है ये होता है ये। अब उसका एक इसका प्रयोग कब होता है तो जब किसी ने कुछ कहा, कोई वाक्य हो किसी के कथन को मूल रूप में दर्शाने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान
आजादी है। तो जो ये नारा है वो किसने दिया है? शास्त्री जी ने। तो इस नारे को हमें दोहरे उद्धरण चिन्ह में लगाना पड़ता है, जय जवान जय किसान। अब जवान के बाद में कुछ थोड़ा दुखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने लगाया है अल्पविराम। इसी तरह दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बाय दोस्तों, हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह के दो प्रकार, इखरा और दोहरा, तो इन सब के बारे में उदाहरण के माध्यम से सीखा है। तो अब हम इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दे